राम राम जी। आज हम बनाने जा रहे हैं कटहल। कटहल की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ दो प्याज लिए हैं और दो हरी मिर्चें काटी हैं, दो टमाटर हैं, धनिया पाउडर लिया है, नमक स्वादानुसार, लाल मिर्च पाउडर है एक चम्मच, एक चम्मच हल्दी पाउडर है, आधा चम्मच गरम मसाला है और ये मीट मसाला है जिसको ये ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। ये मैंने कटहल लिया है, कटहल के मैंने बहुत छोटे छोटे पीस कराए हैं, आप चाहें तो बड़े पीस भी करा सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। तेल में ही भून रहे हैं ताकि ये अच्छी तरह से इसमें ही भूनते भूनते गल जाए, क्योंकि थोड़ा कम ऑयल में भी मैं इसमें हल्दी डाल के इस कटहल को भून रही हूँ। तो देखिए कर लीजिए, इसके बाद इस स्टेज पे मीडियम आंच पर ही इसमें प्याज डाल देंगे और इसको मीडियम आंच पर ही चलाते रहना है, क्योंकि लगने का डर रहता है, चलाते रहना है। अब देखिए प्याज भी भून चुकी है, कटहल के साथ भूनते भूनते ही प्याज भी भून चुकी है। बस ये कटहल हमें चलाते रहना है, हमने इसमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अब हम डालेंगे टमाटर, अपना मटन मसाला, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, नमक, धनिया पाउडर और इसको भी ऐसे ही भूनते रहना है, पानी का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि ये ऑयल में ही भून रहा है। आप चाहें तो ऑयल अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा ऑयली पसंद है। मैं ज़्यादा ऑयल नहीं खाती हूँ इसलिए मैंने ऑयल बहुत कम लिया है, आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा ऑयल ले लीजिए, उससे टेस्ट और अच्छा आ जाता है भून कर। देखिए इसमें कलर आने लग गया है, बट हमने इसमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। याद रखिए ये मीडियम टू लो आंच पर आपको सिर्फ भूनते रहना, हमारा गल भी गया है, देखिए बहुत जल्दी गल जाता है, जरूरी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लगभग मुझे 15 मिनट हो गए हैं सब्जी को चलाते चलाते, थोड़ा सा समय सब्जी को बनाने में लगता है, बट अगर स्वाद चाहिए तो थोड़ा समय तो देना पड़ेगा। और सब्जी का देखिए कलर कितना अच्छा आया है, कितना टेस्टी, बहुत अच्छा। देखिए इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है और आप देख सकते हैं कटहल बहुत अच्छी तरह से गल भी गया है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, मसाले बहुत अच्छी तरह से अपनी खुशबू दे रहे हैं। अब देखिए कटहल हमारा तैयार है, लगभग 20 मिनट लगे हैं मुझे इसे बनाने में, बट थोड़ा सा थोड़ी सी मेहनत और बहुत ज़्यादा स्वाद आने वाला है। आप सब ट्राई कीजिए और मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप सबको कैसा लगा। धन्यवाद। राम राम जी।